यहाँ पे ये लोग जो है ये सनसेट का मजा ले रहे हैं, जो सबसे अच्छी और खूबसूरत बात है अश्विन बीच के बारे में। ये है अश्विन बीच की एंट्री, वो और ये। तो ये है अश्विन बीच, जो मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव है और बहुत कम लोग होते हैं यहाँ पे, सो यू कैन हैव अ लॉट ऑफ मी टाइम। और यहाँ पे मोस्टली मैंने देखा है कि फैमिली क्राउड ही आती है, तो जो लोग फैमिली के साथ आना चाहते हैं, अपना टाइम बिताना चाहते हैं, वो इस बीच पे आ सकते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे ज़मीन में खेलते हुए नज़र आ जाएंगे और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी कलाकारी दिखाते हैं यहाँ पे, अच्छा लगता है। यहाँ पे ये लोग जो है ये सनसेट का मज़ा ले रहे हैं, बहुत फ़ोटो खिंचा रहे हैं, डांस वांस कर रहे हैं, अपने ही म्यूज़िक में लगे हुए हैं। बहुत ही पॉजिटिव माहौल है, बहुत अच्छा सनसेट, बहुत खूबसूरत सनसेट है यार। देखो ये सब काम मत किया करो यहाँ पर, इतना सुंदर बीच है, इतना अच्छे से लोकल लोगों ने रखा है, इतने अच्छे शार्क्स हैं, बट ये जब ये सब देखता हूँ ना मैं कि बॉटल्स हैं, सब बहुत गलत है, जो भी कर रहा है और यहाँ पे सूरज जो है वो ऑलमोस्ट डूबने वाला है, बहुत सारे लोग फोटो खिंचा रहे हैं, कुछ लोग वापस जा रहे हैं शैक्स पर। और ये जो शैक है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कूल दिख रहा था, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे काफ़ी हलचल है। सो यू कैन कम देयर एंड हैव अ गुड टाइम। अब मैं भी जा रहा हूँ, मैं ब्लॉगिंग करके थक गया, मैं भी जाने वाला हूँ, वहाँ थोड़ा बैठने वाला हूँ, चिलैक्स करने वाला हूँ। मैं दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है, क्या रेट्स है, क्या वहाँ का मंजर है। फॉर नाउ जस्ट लुक एट दिस एंड एन्जॉय दिस ब्यूटिफुल सनसेट।